Hello guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Anshik and if you're new here, please subscribe down below. Okay, so in this video, I'm gonna be creating this makeup look with this whole outfit, and you'll see the whole outfit in the end of the video, which you have to watch. And this video is not proper in any way, any like. अब अगर देखने बैठोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या बोल रही है, क्या कर रही है. बट देन आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. गेट रेडी विथ मी इज नॉट माई थिंग एंड आई डोंट नो हाउ टू डू मेकअप. सो यू जस्ट हैव टू बेयर विथ मी फॉर द होल वीडियो. एंड इफ दिस वीडियो इज लॉन्ग, आई एम रियली रियली सॉरी. प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. बाय. एंड ऑल्सो हैप्पी दिवाली. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आई डोंट नो हाउ टू डू मेकअप, पहले ही बता देती हूँ. तो अगर मैं कुछ गलत करूँ, प्लीज डोंट कम एट मी. ऑल्सो द मिरर इज राइट हियर, तो अगर मैं बार बार उधर देखूँ तो फिर समझ जाना कि मैं उधर क्यों देख रही हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. तो मेरे को ना मेकअप वेकअप करना एज सच आता नहीं है. मैं इतना मेकअप कर लेती हूँ. वेल हाय. मैंने सारा का सारा मेकअप अपने किट से निकाल के बाहर फेंक दिया है. तो टुडे इज नॉट दिवाली. ऑफ कोर्स मैं दिवाली पे शूट नहीं कर रही हूँ ये वीडियो, बिकॉज मैं नहीं कर पाऊंगी दिवाली के दिन. इतना जल्दी जल्दी सब करना होता है, मैं इतना बात बात भी करनी है मुझे इस वीडियो में, तो मैं सब तो नहीं कर पाऊंगी. तो या लेट्स स्टार्ट. एंड इफ दिस वीडियो इज गोना बी अ लॉन्ग एंड आई एम सो सॉरी, बट आई एम गोना चैट अ लॉट इन दिस वीडियो एंड दिस विल बी पोस्टेड ऑन दिवाली. सो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल. अभी दिवाली नहीं है तो हाँ, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में मुझे बात करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो मैं लिप बाम लगा लेती हूँ अपने. तो मैंने आज लिप स्क्रब किया है और मैं ना होममेड लिप स्क्रब करती हूँ, तो उसके लिए सॉरी. और मेरा मेकअप ना बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, जो नॉर्मल शॉप्स पे दुकानें पे मिल जाती है ना चीज़ें, वैसा ही मेरा मेकअप है. तो मैंने अभी ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल यूज़ किया है, क्योंकि ये मेरे को सही लगता है. जो क्रीम वाला होता है बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा लाइट फील्स देता है, तो इसलिए मैं ये लगा लेती हूँ. और लिप बाम लगा लिया मैंने. मैंने लिप स्क्रब किया है. लिप स्क्रब मैं कैसे बनाती हूँ घर पे, मैं ना चीनी डालती हूँ और उसमें थोड़ा सा हनी डालती हूँ, उसको थोड़ा सा स्क्रब कर लेती हूँ फॉर 2 मिनट्स एंड देन इट्स डन. और मेरा कोई रूटीन नहीं है मेकअप करने का, तो उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी. और अभी मैं ना दिल्ली से आई हूँ, तो भी मेरा सामान ऐसे पूरा बिखरा हुआ है. मेरी आधी चीज़ें इधर है, आधी चीज़ें उधर है, तो थोड़ा यूँ है. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट मैं अपना करती हूँ अंडर आई का सिस्टम सही, बट उससे पहले लेट मी जस्ट डाइव इन टू प्राइमर. ये है पोर मिनिमाइजिंग. मैं बार बार नहीं बोलूँगी ये सारी चीज़ें, ठीक है. ये मेरे को और चीज़ों के बारे में बात करनी है, बट देन आई लिंक एवरी प्रोडक्ट. सो अगर तुम लोगों को देखना है तो देख लेना. मैंने इतना सही लिया है और मैं सिर्फ अपने नोज एरिया पे, टी जोन पे, चिन पे और थोड़ा सा इधर जहाँ पे ब्लश लगता है ना उधर लगाती हूँ और उसको मसाज कर देती हूँ. ये ना बहुत ज़्यादा ब्लर इफेक्ट दे देता है, विच इज़ गुड. और अभी एक्चुअली मेरी डेट आने वाली है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहा है, इतना ब्रेकआउट हुआ हुआ है अभी मेरे स्किन पर. बट देन वी कांट हेल्प इट, दिवाली के दिन की ही डेट है. तो अगर इस जो इस वीडियो में मैं कुर्ती पहनूंगी और अगर वो मैंने दिवाली पे नहीं पहनी, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आई एम पीएमसिंग एट दैट टाइम. बट देन या सो लाइफ अपडेट वीडियो भी है ये थोड़ी सी, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना. तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं. लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग वेरी जैसे ठीक ठीक वाली चीज़. सो आई एम ऑब्सेस्ड विथ सिम्स. सिम्स इफ़ यू डोंट नो सिम्स, सिम्स इज अ गेम, पीसी गेम. आई डोंट नो अगर वो फोन में है यानी नहीं होगा वो ऐसे फोन में. तो आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट गेम. ओके, एंड इतना मज़ा आता है मुझे वो खेलने में. मेरे पास पूरा ऐसे क्रैक्ड वर्जन सब कुछ है उसमें, तो आई जस्ट लव इट. मुझे इतना मज़ा आता है डिज़ाइन करो और फिर अपने सिम को खेलो और ये सब. तो हाँ, तो आई लव इट एंड मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ उससे. और मैं इतना ज़्यादा खेलती हूँ, कोई तो व्लॉग में मैं दिखाई दूंगी कि हाउ आई प्ले एंड स्टफ. मेरे को नहीं आता है मेकअप करना गाइस, प्लीज डोंट जज मी. ओके, ऑल्सो आई स्टार्टेड टेकिंग गमीज. अगर तुम लोग को नहीं पता है वो गमीज आती है ना, मैंने वो स्टार्ट करी है लेनी. मेरे को ऐसा कोई फर्क नहीं दिख रहा, प्लस मैं एकदम से मेरा मैंने स्किन और हेयर की शुरू करी है वैसे तो, बट मेरी वो शुरू हो गई अभी पीएमएसिंग वाला. तो अगर वो कुछ कर भी रही होगी तो वो कुछ हेल्प नहीं कर सकती मेरी स्किन के लिए, बिकॉज आई एम ब्रेकिंग आउट बिकॉज ऑफ माई पीरियड्स. और मैं ये कंसीलर ना थोड़ा अपना इसको कम करने के भी ला दें. दिस कंसीलर इज एक्चुअली गुड फॉर कैमरा. वैसे तो अगर आपका शेड सही हो तो ऑब्वियसली वैसे भी अच्छा है. मैं थोड़ी अपने ये वाले एरिया पे लगा देती हूँ, बिकॉज बहुत अजीब लगता है मेरा ये वाला एरिया मुझे. मैं ज़्यादा कंसीलर नहीं लेती, मुझे ना पसंद नहीं है. मैं एज अ अपने कंसीलर को ही
मैं अपने कंसीलर को ही अपने फाउंडेशन की तरह यूज़ कर लेती हूँ, ऑल्दो मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती। तो हाँ, और मैंने जो 3 हफ्ते के लिए मिस किया है उसके लिए मैं पहली बार कर रही हूँ यार ऐसी वीडियो, तो अगर प्लीज़ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो डोंट जज मी, आई एम नॉट गुड एट इट, आई नो। सो हाँ, तो मैंने 3 हफ्ते पोस्ट नहीं किया बिकॉज आई वॉज इन डेली एंड आई वॉज स्टेइंग एट माई बुआज प्लेस, और उधर मतलब जगह नहीं थी, ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि मैं शूट कर पाऊँ, तो मैंने शूट नहीं किया। और मतलब और फिर मेरा 3 हफ्ते का मिस हो गया, तो मेरा पूरा एल्गोरिदम डाउन हो गया यूट्यूब का। ऑल्सो आई गॉट पेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, ओ माई गॉड इट वॉज ग्रेट, आई लव इट। अगर उस पर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, आई विल ऑब्वियसली मेक इट। और मैंने बहुत ज़्यादा सरोजनी में शॉपिंग भी करी है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली वीडियो विल बी कमिंग, क्योंकि विंटर का सामान आना शुरू हो गया था सरोजनी में। तो ना मतलब मैं बहुत बार तो नहीं, 3 बार ही गई हूँ, मैं बहुत सामान लिया है मैंने, और मेरा सामान इतना ज़्यादा हो गया था यहाँ पे आने के लिए कि मतलब मैं अकेली थी और मैं इससे बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था लेकर आने में, बट देन ऑब्वियसली आई डिड इट एनीवे। मैंने थोड़ा सा पिंक लगाया है अपनी आईलिड पर, और थोड़ा सा शिमर लगा दिया जस्ट फॉर द फेस्टिव लुक, एंड देन आई एम गोना गो विथ ब्लश। मेरे को ना बहुत पसंद है ब्लश, मैं हाईलाइटिंग कॉन्टूर ये सब करती हूँ, मुझे आता ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं, मेरी सर्जरी जो हुई थी मुंह की, उसमें मेरा बहुत सारा जो फैट आया था यहाँ पे वो जा ही नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई, उसके लिए भी मेरे को जाना है। एंड अबाउट दिवाली, आई एम नॉट लाइक, वैसे मेरे को पटाखे ऐसा कुछ इतनी पसंद नहीं है, बट आई एम एक्साइटेड फॉर रंगोली एंड आई ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं क्या बनाने वाली हूँ दिवाली पे, बिकॉज आई लव इट। सो ज़्यादा हो गया ऑब्वियसली अंशिका एंड ब्लश, बट देन ब्लश ना उड़ जाता है, तो अगर वो ज़्यादा भी हो जाता है तो मेरे को ऐसा बुरा नहीं लगता। एंड इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ है मुझे दिल्ली में, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी मेंटल हेल्थ की वाट लग गई। मैंने यहाँ पे आके इतने चेकअप्स करवाए हैं अपने भाई, मुझे ही पता है मेरा कॉलर कौन है ब्रो, द हेक मेरी चीज़ें ही नहीं मिल रही है। तो मैंने बहुत सारे चेकअप्स करवाए हैं, उसके लिए आई एम नॉट येट कम्फर्टेबल टू टेल, बट देन काफ़ी दिक्कतें हुई हैं जिसके बारे में मैं और आगे बात करूँगी। अभी तो मुझे ऐसे शर्म सी आती है, एंड आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल ऑन लाइक लेटिंग यू नो माई ऑल द प्रॉब्लम्स, बट देन वी आर गेटिंग देयर, ओके वी विल बी देयर सून। एंड या ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिसंबर बिकॉज आई एम गोना हैव माई रूम एंड आई एम गोना डेकोरेट इट, आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। लुकिंग वेरी प्रिटी एंड फॉर दिस दिस थिंग लिपस्टिक, मैं ज़्यादा आई एम नॉट इन टू लिपस्टिक्स एनी मोर, लाइक आई डू वन द डॉट, देख ऊपर किया ऐसे 2 डॉट एंड देन आई जस्ट वाइप इट ऑफ बस, दिस लाइक छोटू सा ऐसे टेंट आ जाए ना बस उतना ही चाहिए। और आई एम ऑलरेडी, आई एम नॉट गोना डू माई बिंदी दिस टाइम बिकॉज मैं हर बार बिंदी लगा लेती हूँ तो फिर वो रहता नहीं है। ऑब्वियसली आई एम गोना वेयर द इयर रिंग्स, बट मैं वो पूरा आउटफिट जब पहन कर आऊँगी तब आई शो। मैंने बाल भी ऐसे बांधे हुए बिकॉज अभी बाल भी मेरे को सही करना है, सही तो क्या मतलब को वो ऑलरेडी ना वेवी हुए हुए, मैंने गूथ बनाई थी तो वो वेवी हुए, तो मुझे वैसे ही रखना है और तो मैं वैसे ही रखने वाली हूँ। और अभी मैं ये पहन के बैठी थी, मुझे ऐसा लगा मैं कुछ गिराऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, तो खत्म ही हो जाने वाला है। मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी थी इस वीडियो में बट मैं कर नहीं पाई, बट दैट्स अंशिका फॉर यू ऑल गाइस। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, इफ़ यू डिडंट सॉ माय कम्युनिटी पोस्ट आई पोस्टेड राइट हियर, मैंने एक मतलब कम्युनिटी पोस्ट डाला यूट्यूब पे जिसमें मैंने पूछा है कि लेट मी नो इफ यू लाइक आस्क मी सम क्वेश्चंस, कमेंट डाउन सम क्वेश्चंस, आई एम गोना आंसर इट एंड आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम वेर यू गाइज विल आस्क मी सम क्वेश्चंस, आई एम नॉट गोना लाइक आई एम वेरी नर्वस फॉर इट, बट देन आई ट्राई कि मैं जितनों का रिप्लाई कर सकती हूँ, जितनों का आंसर कर पाऊंगी मैं उतना का करूंगी। ऑल्सो दिस वीडियो इज नॉट गुड, आई डोंट नो, मैं बहुत इधर उधर हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने का ट्राई करूँ बट मैं नहीं कर पाई हूँ, बट देन या लेट मी जस्ट वेयर द माय दिवाली आउटफिट इफ इट इज एक्चुअली माय दिवाली आउटफिट, बिकॉज चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और मैं नहीं पहन सकती शायद वो आउटफिट, और फिर मेरे को दूसरा वाला आउटफिट पहनना पड़ेगा। तो हाँ लेट स्टार्ट, तो क्या लेट मी चेंज, हाय एकदम से ऐसा ड्रास्टिक चेंज हुआ होगा। सो आई एडेड अ वॉच, दिस कुंदन समथिंग कुंदन पर्ल ब्रेसलेट, दीज इयर रिंग्स आई
प्लान्ड अ डिफरेंट ईयर रिंग, बट ये मेरे लहंगे के साथ मैंने पहने थे ईयर रिंग्स और ये बहुत मैच हो रहा है इस आउटफिट के साथ. आई विल शो यू माई होल आउटफिट इन अ मिनट, बट दिस इज या आई जस्ट लव इट. आई एम गोना डू द सेम मेकअप और जैसे थोड़ी सी लिपस्टिक और ऐसे. कितना सुंदर लग रहा है ये, और इसकी चुन्नी मैं बताऊँ इतनी सुंदर है ना इसकी चुन्नी, लुक एट इट. आई एम ऑब्सेस्ड विद चुन्नीज ब्रो, सो प्रिटी. आई कांट वेयर वेट टू वेयर दिस. बट बस इसमें एक ही दिक्कत है, ये वाली जो चीज़ आ रही है थोड़ी सी चुभ रही है मेरे को गले पे, और ऐसे आ रही है इसका ना ये पूरी ऐसे पीछे तक आ रही है, विच आई लव इट, बट देन ये थोड़ी सी चुभ रही है जो मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा कि इतना सुंदर दिखना है तो. सो या यू सी मी द होल आउटफिट एंड स्टफ. And if you enjoyed it, please like, comment and share. और मुझे पता है दिस वीडियो इज नॉट प्रॉपर इन एनी वे, बट देन आई ट्राइड एंड आई लव इट. द आउटफिट इज वॉर्म, द मेकअप इज ओके बिकॉज आई डोंट नो, मेकअप मेरे को आता ही नहीं है करना. इयर रिंग्स ब्रो, दिस इयर रिंग्स आर हैवी. मुझे नहीं पता मैंने कैसे पूरी शादी में पहन के रखे हैं ये इयर रिंग्स, बट देन या लेट्स बाय बाय लेट्स गो बोल रही थी मैम.